नमस्कार दोस्तों मैं सनी शर्मा फिर से हाज़िर हूं अपने चैनल सनी नाथ में तो स्वागत करता दोस्तों सभी भवन का जब फिर से हाजिर हुआ कि नई जानकारी के साथ कि ध्यान नहीं लगता तो करो ये ध्यान भी लगेगा और देवता के प्रत्यक्ष करना भी होगा यानी कि प्रत्यक्ष आपको दर्शन भी होंगे ग्यारह टाइम आपने ये मंत्र पढ़ना है फिर देखो कलाम और कैसे विधि प्रयोग करनी मैं आपको बताऊंगा सर प्रथम एक निवेदन रहता है चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेले पर क्लिक करना तीन और चैनल है गुरु बढ़ना शिवगुरु क्षण से बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है इंटरनेट के थ्रु में, में को मेरा गुरु को चल रहा गुरु ने किसी के जहाँ से मत फंसना और यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है सभी धर्मों सभी नियमों को जो एक व्यक्तिगत दायरा है उस दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ जानकारी देना अगर आप लोगों का इन चीज़ों में विश्वास है तो ये पूर्ण रूप से कार्य करती है अथवा ये निष्फल है टाइम वेस्ट करने वाली ही बात है है। और जो कुछ करना गुरु स्निहित में करना गुरु अग्नि से करना क्योंकि मेरा काम सिर्फ प्रचार करना है और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपने मेरे से कोई भी सलाह मशवरा लेना है कोई भी साधना लेनी है कोई ऑनलाइन दीक्षा लेनी है कोई मंत्र लेना है किसी देवता का कोई सिस्टम लेना है या कोई कार्य करवाना तो सारी सर्विस पेड है एज पर सर्विस के अकॉर्डिंग प्राइस है कोई फिक्स्ड नहीं है जब आप मेरे को बात बताते हो उसी हिसाब से बताया जाता है कि कितना खर्चा आपका होना बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन चैनल और है गुरु गुरुना शिव गुरक्षण और इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरुवा को चेलना गुरु ने किसी के जहाँ से मत फंसा ध्यान नहीं लगता तो आपने करना है देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ध्यान मुद्रा में जब बैठते हो आसन पे और जिन लोगों का ध्यान नहीं लगता है, उन लोगों के पास एक तो वो बोलते ना कि आसन का मंत्र नहीं है एक तो आपने आसन मंत्र का जप करना है तो आसन मंत्र आपको पता ही है जो दिया ओम नमो गुरु जी को उदेश ओम गुरु जी मन मारूँ मैदा करूँ करूँ चकनाचूर पाँच में ईश्वर आज्ञा करू तो बैठू आसनपुर श्री नाथ जी गुरु जी को आदेश बस इतना सा मंत्र है ओम नमो देश गुरु जी के उदेश मन मारूँ मैदा करु करु चकनाचूर पाँच में ईश्वर आज्ञा करे तो बैठू आसनपुर श्रीनाथ जी गुरु जी को उदेश इतना सा मंत्र है ग्यारह टाइम इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है लेकिन बैठने से पहले आपने थोड़ा सा अपना शुद्धिकरण कर लेना आसन का शुद्धिकरण करने के बाद वहाँ पर गंगा जल का छिट्टा दे लेना और स्वयं गंगा जल के साथ स्नान करके फिर आपने इस मंत्र का प्रयोग करना है और पहले इस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में आप हो सके तो जितना ज़्यादा जप लेना सिद्धि प्रदान करने के बाद वैसे तो सिद्ध है लेकिन कंठस्थ करने का प्रयोग करना आपका ध्यान लगेगा स्वदेश